सुनवाई कर सकता है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। कल हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बहराइच में 15 दिन तक बुलडोजर नहीं चलेगा। 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। पीडब्ल्यूडी ने मंगलवार तक की मोहलत दी थी। हालांकि इस बीच बहुत सारे लोगों ने खुद ही अपना अतिक्रमण खुद ही लोगों ने हटा दिया था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई पर अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट ने अलबत्ता इस पर रोक लगा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डायरेक्शन दे सकता है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया था, लेकिन साथ ही एक बात भी कही थी कि अतिक्रमण का पता चलने पर स्थानीय विभाग उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई जरूर कर सकता है। और बहराइच में भी जो नोटिस दिए गए हैं वो अवैध अतिक्रमण दुकानों और बाजारों में किए जाने को लेकर दिए गए हैं। लेकिन अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। इस बीच बहराइच में पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ सबकी मौजूदगी है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कल हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी कि बहराइच में अगले 15 दिनों तक किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। मोहम्मद शवाब मेरे साथ बहराइच से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। शवाब, ये बताएं कि अभी हाई कोर्ट के आदेश के बाद तो कार्रवाई रुक गई होगी, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा होगा वहां पर, लेकिन स्थिति क्या है? लोगों ने अपने अतिक्रमण या अपने बढ़ाए हुए हिस्से को क्या खाली कर दिया है पहले ही? क्या लोगों ने वहां से अपनी आशियाने, जो चीजें उन्होंने अतिक्रमण के दायरे में आ रही थी, वो सब हटा ली हैं इस वक्त तक? अब बिल्कुल देखिए, लोगों से जितना वहां पर बन पा रहा है लोग उस जगह को खाली कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला बहुत बड़ा था, दो एक परिवार नहीं थे, दर्जनों ऐसे परिवार थे जिनको ये नोटिस दिया गया था। असल में उत्तर प्रदेश में बहराइच में जिस तरीके से हिंसा के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गुहार लगाई गई है। बहराइच हिंसा के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी उस पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जो है वो दखल देने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ये याचिका लगाई है, उनकी तरफ से जो नोटिस जारी किए गए थे उसको रद्द करने और बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की ये मांग की गई है। इसके साथ ही साथ तमाम स्थानीय विधायकों के बयानों का भी इसमें हवाला है। बहराइच की घटना के बाद असल में मुख्य आरोपी जो अब्दुल हमीद था, उसके अवैध रूप से निर्मित घर पर जो ये विध्वंस की नोटिस को चिपकाया गया था और वहां पर लोगों से जल्द जो है वो आसपास के घरों को भी खाली करने के नोटिस में कहा गया था। 23 परिवार थे जिनको 3 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था कि वो बताए ये जो यहाँ पे अवैध निर्माण हुए हैं उनको क्यों न गिराया जाए। ये मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने इस मामले में लखनऊ बेंच ने रोक लगाई, इस पे 15 दिनों के लिए स्टे हुआ और ये मामला वहां पर बुधवार को इसमें कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। और पीडब्ल्यूडी की तरफ से जिन 23 घरों और दुकानों को नोटिस दिया गया था उनको जवाब दाखिल करने का अब 15 दिनों का वक्त दिया गया है, यानी कि अब 23 अक्टूबर को वो सभी लोग अपना जवाब दाखिल करके बताएंगे कि पूरे मामले में किस तरीके से जो ये कार्रवाई हो रही है या उनका जो मकान है वो कितना इलीगल है, क्या कुछ है। असल में बहराइच हिंसा में जो मुख्य आरोपी था अब्दुल हमीद और उनके वकील कलीम हाशमी ने जो बताया कि पीडब्ल्यूडी ने 23 मकानों को जो तोड़ने का नोटिस दिया है, इस पर APCR यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका जो थी वो लगाई गई थी और जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस पाने वाले सभी 23 लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। और ये बात साफ हो गई है कि 15 दिनों तक आप कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी और 15 दिनों के भीतर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला जो है वो पहुंच चुका है, तो ये साफ तौर से समझा जाना चाहिए कि जो बहराइच में हिंसा हुई और उसके बाद जो बुलडोजर का एक्शन हुआ, इसमें हाईकोर्ट ने जो पूरे मामले में सुनवाई की उसमें तमाम चीजों को कहा है। असल में ये जो बहराइच का इलाका है वो
अकुंडसर मासी और नानपारा महाराजगंज ये सारा रोड का इलाका लगता है जहां पर यह अवैध निर्माणों की बात कही गई है। और अब 15 दिनों में पहले हाईकोर्ट में भी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगहों पर सुनवाई पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा बहराइच में मामला बना है और जिस तेजी के साथ पीडब्ल्यूडी ने इस पूरे मामले में नोटिस जारी की थी, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में जो है वो अब सरगर्मियां जो है वो देखी जा रही है, सरगर्मियां देखी जा रही हैं। इस बीच बहराइच में तैयारी क्या है, पुलिस आरएएफ और सीआरपीएफ या पीएसी की मौजूदगी क्या अभी भी उतनी ही है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सबका रुख है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेता है। हालांकि पिछली बार से सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत ज़्यादा पलट पाएगा, एक्सपर्ट इस बारे में अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया जाए लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा सकती है एजेंसीज के द्वारा। तो क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रशासन ध्यान में रख रहा है मोहम्मद शहबाब? बिल्कुल, देखिए चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है लिहाजा इस पूरे मामले में कोई बोलने को तो बहुत ज्यादा तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जो पुलिस की टीमें थी, पीएससी और तमाम दूसरी विंग्स, वो अभी भी लगी हुई हैं और स्थिति को देखते हुए चीजों को नियंत्रित करने में हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। जो कि अभी बहराइच में पूरा मामला पूरी तरीके से अब शांत हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको याद होगा, जब अपना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए बात कही थी, उसमें एक ये क्लॉज छोड़ा गया था कि अगर अवैध निर्माण है, अवैध कंस्ट्रक्शन है, तो बुलडोजर की कार्रवाई चल सकती है, की जा सकती है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो अफसरान हैं वो भी बुलडोजर की कार्रवाई को कर रहे हैं, लिहाजा जो मुख्य आरोपी के घर के आसपास के 23 मकानों को तोड़ने के जो निर्देश दिए गए उसमें अवैध निर्माण का ही जिक्र किया गया है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करता है, किस तरीके से पूरी चीजों को देखा जाता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। और मामले में स्थितियों को देखते हुए वहां पर जो पुलिस बल तैनात है वो अभी भी तैनात है, स्थितियां फिलहाल नियंत्रण में है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है इस वक्त। और जहां पर ये हादसा हुआ था उस जगह क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल, देखिए जो घटना घटी बहराइच में उसके बाद वहां पर अब अवशेषी हैं तमाम चीजों के, इस बात को समझिए, जहां पर आगजनी हुई, जहां पर पूरी घटनाएं घटी हैं, वो जगहें अब भी अपने ऊपर हुई उस वक्त को याद करती हैं और पूरा अमन चैन बहराइच का, इन इलाकों का जो है वो खराब हुआ है। और सीधे तौर पर इस घटना के बाद से बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब घटना घटने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए, तेजी से एक्शन लेते हुए इन पूरी स्थितियों को नियंत्रित कर लिया है। फिलहाल वहां पर अब यादें ही हैं, कड़वी यादें, लेकिन जो लोग रहाइश के हैं, जो लोग वहां रहते हैं, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि इस घटना ने हमारे इलाके के अमन चैन को खराब कर दिया, इन चीजों को सुधरने में भी जमाने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी निगाहें, क्योंकि अगर ये कार्रवाइयां बुलडोजर वाली आगे बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर ये मामला दूसरी तरफ रुख कर जाएगा। और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद 23 मकानों को तोड़े जाने की जो एक्शन है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जो भी आता है उसके बाद आगे के लिए जो चीजें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो बिल्कुल बदल जाएंगी। फैसला पक्ष या विपक्ष दोनों में जिस तरफ से आएगा उस तरफ की स्थितियों को देखने लायक चीजें आने वाले वक्त में बनेंगी। लेकिन बहराइच और उन इलाकों में आज भी लोगों के भीतर खौफ व्याप्त है, रातों को लोग जग रहे हैं कहीं कुछ दोबारा से ना हो जाए, किसी भी तरीके की चीजों को लेकर के पुलिस गश्ते कर रही है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं, स्थितियों को देख रहे हैं, लखनऊ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे प्रकरण को लेकर के संजीदा है, कहीं से भी किसी भी तरीके की चीजों को कोई भी हैपनिंग ना हो उसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, हर सेंसिटिव व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, कई दिनों तक इंटरनेट बंद रखा गया वो बहाल हो पाए, तो यानी कि स्थितियों को नियंत्रित करने में पूरी कोशिशें की जा रही हैं, स्थितियां जो हैं प्रॉपरली नियंत्रित हैं। लेकिन अब चूंकि मामला बुलडोजर की कार्रवाई की तरफ है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पर